कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। यही कि अगर वेद को विधि पसंद ही नहीं थी तो उसने रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों की। हम सिर्फ माफी मांगकर वापस आ जाएंगे। ये डिबिया मुसीबत की डिबिया घर पे कोनी, यही मौको है माजीसा के सामने दिव्या का भांडा फोड़ने को और इस झाड़ू पोछे से निजात पाने को। माजीसा, 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 मैंने आपसे बात करनी है दिव्या के बारे में। दिव्या के बारे में क्या कहूँ सूरजमुखी जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है सच में। मतलब? कल से आंसू रुक ही नहीं रहे। मन्ने समझना पड़ी दिव्या जी, आप के बोलो हो? आंटी आप लोग चलिए, मैं और माँ थोड़ी देर में आते हैं। अरे इतनी जल्दी कौन ही है, सत्संग में अभी आधा घंटा है। अरे हम कोई पराये थोड़ी हैं, हम भी तो सुने कि ये बहन जी क्या कहने आई हैं। क्या कहूंगी सूरजमुखी जी, जो कुछ भी कहना था वो तो वेद ने ही कह दिया, पर उसने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल भी सही नहीं कहा। सोच के भी कलेजा दुख रहा है कि क्या बीती होगी बेचारी पर जब उसे ये पता चला कि वेद विधि को नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी पायल को पसंद करता है। माँ, 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 सूरजमुखी जी, माँ संभालिए अपने आप को, पानी लेकर आइए। सूरजमुखी जी, पानी पीजिए, पानी, पानी। माँ, माँ पानी पी लीजिए। झूठ तो मैं बोलू को नहीं माजीसा, ये जो अब पायल और विधि को लेके गलतफहमी हुई थी ना, दिव्या को उसके बारे में सब कुछ पता था पर किसी से बोली को नहीं। ये देखिए सबूत है तुम्हारे पास। इन्हें तो सदमा क्यों लगा, तुमने इन्हें कुछ बताया नहीं क्या? अरे कैसे बताती, इतना बड़ा अपमान हुआ उसका। आप चुप रहेंगी विमला काकी? चुप क्यों रहे बिटिया, हाँ? और तुम्हारी सास, उसने कुछ अच्छा नहीं किया है? विधि बिटिया और सरजू बहन जी को इज्जत नहीं है? मैं क्या कहूँ, मैं किस मुंह से यहाँ आई हूँ, ये मुझे ही पता है सूरजमुखी जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ मम्मी जी और वेद की तरफ से। मम्मी जी और वेद की गलती की सजा बेचारी आपकी बेटी विधि को मिल गई। यहाँ वेद आपके घर के चक्कर काटता रहा आपकी छोटी बेटी पायल के लिए, और मम्मी जी ने जबरदस्ती वहाँ विधि का रिश्ता तय कर दिया वेद के साथ। तब तो वेद ने कुछ कहा ही नहीं, मुंह तक नहीं खोला अपना, और आज जब शादी की बात हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहुत बुरा किया थारी सास और देवर ने, हमारी सरजू बहन की तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। हाय हाय विधि, बहुत बुरा हुआ थारे साथ। भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। पर देखिए ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वेद और मम्मी जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो दोनों तो यहाँ रिश्ता लेकर आने वाले हैं आपकी छोटी बेटी पायल का हाथ मांगने के लिए, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी भागी चली आई उनसे पहले, ताकि आपको आके। उन्हें तो ऐसा लगता है कि आप लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ी ना इतने बड़े घर के रिश्ते को ठुकरा देंगे, इसलिए यहाँ पे रिश्ता लेकर आ रहे। और आप ही बताइए कि क्या ये अच्छा लगेगा कि आपकी बड़ी बेटी विधि घर में बैठी रहे और छोटी के हाथ पीले हो जाए? आपके समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? एक तो विधि का पैर पहले से ही